యోగి భరత్ భూషణ్ స్వామివారు ఈనాటి కోటిదీపోత్సవ వేదికకు వారు విచ్చేయటం మన అదృష్టం. వారిని ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇతి ఏకాక్షర బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుస్మరన్ యప్రియాతితజందేహం సయాతి పరమాంగతిం నతువహం కామయే రాజ్యం నసుఖం నచ పునర్భవం కామయే దుఃఖతప్తానాం ప్రాణినామార్తనాశనం. ఆజ్ హైదరాబాద్ కే ఇస్ సౌభాగ్య నగర్ మే జిస్ వ్యాపక రూప్ మే ఔర్ విరాట్ రూప్ మే ధర్మ కర్మ प्रारूढ़ होने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. निश्चित रूप से इसके विराट स्वरूप को देख करके और जिस भाव से इस कार्यक्रम को श्री नरेंद्र चौधरी और उनके सहधर्मिणी रमा जी ने सपरिवार एक महान यज्ञ के रूप में इसको संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है, उसे देख करके लगता है कि ये भाग्य नगरी निश्चित रूप से सौभाग्य नगरी है. हम सब अपने सौभाग्य को सराहते हैं. ये पढ़ा तो था मनुस्मृति में कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्वीव्या सर्वमानवा. अग्रजन्मनों का देश है ये भारत, और दुनिया भर के लोगों ने अपने अपने धर्म को जीने का सलीका इस भारत भूमि से, यहाँ के ऋषियों से, यहाँ के धर्मनिष्ठ मनीषियों से सीखा है. लेकिन उसका इतना विराट स्वरूप, मैं तो इसको जब देखता हूँ कि कोटि दीपोत्सवम की परिकल्पना आपने की है, तो शायद इसका ही आकर्षण है कि दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम और वहाँ से उसके बाद चाइना का कार्यक्रम और वहाँ से सीधे हम लोग अपने उत्तर दक्षिण को सबको एक कर दिया है. इस आयोजन ने हम लोग खींचे चले आए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए इस प्रयास को. आज जिस भावना से यहाँ के गृहमंत्री श्री रेड्डी ने आकर के अपना प्रणाम इसको किया और जिस भावना से यहाँ पर सबके आराध्य भगवान शिव, योगीराज शिव, आदिनाथ शिव का आराधन हम सब लोग कर रहे हैं, लगता है कि उसके बीच में किसी भी तरह के संबोधन की तो कोई आवश्यकता शेष रह ही नहीं जाती है. मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ इस पूरे प्रयास को कि ये कोटि दीपोत्सवम सहस्त्र कोटि दीपोत्सवम तक फैले. अभी अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर तो कुछ लाख दिए ही जलाए गए थे, लेकिन इस भाग्य नगरी ने, सौभाग्य नगरी ने तो करोड़ों दीप जलाने का एक जो संदेश दिया है, तो मैं समझता हूँ कि राम का हम यहाँ पर सीधे सीधे अनुभव कर रहे हैं. जहाँ भगवान शिव की आराधना होती है वहाँ पर राम स्वयं रहते हैं, और जहाँ राम होते हैं वहीं अयोध्या होती है. मानस कहता है कि तहाँ ही अवध जह राम निवासु, जहाँ राम है वहीं पर अयोध्या है. तो आज आपने दीपावली के बाद कार्तिक पवित्र माह में इस आयोजन को इतने समृद्ध रूप में संपन्न करके जो एक प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि राम का साक्षात आशीर्वाद और उनके भी आराध्य भगवान आदिनाथ शिव का आशीर्वाद और फिर मातृशक्ति का आशीर्वाद हम लोगों को सीधे सीधे प्राप्त हो रहा है. हम अपने सौभाग्य को सराहते हैं और इस महायज्ञ के आयोजक जो हमारा परिवार है उसको हम रोम रोम से आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना करते हैं. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति, सर्वे भय सुशांतिर्भवतु. ईनाटि कार्यक्रमानिकि विचेसि भक्त कोटिकि आशीस्सुलु अंदिंचिन మహామండలేశ్వర్ యోగి భరత్ భూషణ్ వారికి
మరొక మారు పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం.